देखिए रोस्टिंग क्या है, भर्जन क्या है। द सल्फाइड ओवर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, यानी सल्फाइड की जो एस के तो उनको उनके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग, यानी कि एयर की उपस्थिति में जो सल्फाइड के जो एस के हैं, सल्फाइड के जो ओर्स है, उनको एयर की उपस्थिति में हीटिंग करते हैं तो क्या बन जाता है, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सल्फाइड एस का उनके ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है या भर्जन कहलाता है। तो देखिए ये वायु की उपस्थिति में होता है कौन, भर्जन यानी कि रोस्टिंग, जबकि निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में क्या समानता है, दोनों को ही हम उनके ऑक्साइड में बदलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें सल्फाइड एस के होते हैं, सल्फाइड के ओर्स होते हैं और इसमें कार्बोनेट के ओर्स होते हैं। तो सल्फाइड के ओर्स को ऑक्साइड में बदलने के लिए हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है, जबकि जो कार्बोनेट के अस्क को उनके ऑक्साइड में बदलने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए कैल्सिनेशन क्या है, द कार्बोनेट ओर्स यानी कि जो कार्बोनेट के अस्क जो होते हैं कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इन द लिमिटेड एयर, लिमिटेड एयर का मतलब एयर की अनुपस्थिति में या बहुत ही कम एयर को, इज नोन एज कैल्सिनेशन, यानी कि जो कार्बोनेट के जो ओर्स होते हैं उनको उनके ऑक्साइड में लिमिटेड एयर की उपस्थिति में उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, कैल्सिनेशन। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा किस तरह से भर्जन और निस्तापन करते हैं अपन। तो भर्जन वायु की उपस्थिति में उनके ऑक्साइड में बदलते हैं सल्फाइड एस्क को, जबकि इसमें कार्बोनेट एस्क को वायु की उपस्थिति में उनके ऑक्साइड में बदल, वायु की इनको वायु की अनुपस्थिति में इनके ऑक्साइड में बदलते हैं,